फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का दूसरा गाना, जिसका टाइटल है मस्त मलंग झूम, इस गाने को 28 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। तो देखना होगा कि बड़े मियां छोटे मियां का दूसरा गाना कैसा होता है, क्योंकि इसके पहले गाने जो कि इस फिल्म का टाइटल ट्रैक था, इसको ऑडियंस का मिक्स रिव्यू मिला है। और वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर हमें मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में देखने को मिलेगा। तो देखना होगा कि इसकी ट्रेलर की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। आपको बता दें, बड़े मियां छोटे मियां एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें अक्षय कुमार के साथ टाइगर श्रॉफ, मानुषी छिल्लर, सोनाक्षी सिन्हा और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। और अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की ये फिल्म हमें ईद 2024 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है हम, बच के रहना हमसे हिंदुस्तान है हम। सुहाना खान और शाहरुख खान की आने वाली फिल्म, जिसका टाइटल किंग बताया जा रहा है, इस फिल्म के ऊपर दोबारा से काम स्टार्ट हो चुका है। और वहीं कहा जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग मई 2024 से स्टार्ट कर देंगे। आपको बता दें, ये फिल्म एक स्पाई एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर सुजय घोष डायरेक्ट करने वाले हैं। और वहीं इस फिल्म को शाहरुख खान की रेड चिल्ली और सिद्धार्थ आनंद की मैरफ्लिक्स पिक्चर्स प्रोड्यूस करने वाली है। और वहीं कहा जा रहा है कि सुहाना खान की इस फिल्म के एक्शन सिक्वेंस को डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के अंडर कोरियोग्राफ किया जाएगा। और अगर सब कुछ सही जाता है तो सुहाना खान और शाहरुख खान की ये फिल्म हमें 2025 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। और वहीं बात करें शाहरुख खान की, तो कहा जा रहा है कि किंग की शूटिंग को कंप्लीट करने के बाद शाहरुख खान यशराज की स्पाई यूनिवर्स की आने वाली 8वीं फिल्म पठान 2 की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो आप शाहरुख खान की आने वाली इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड है, हमें कमेंट में बताएं। प्रभास की मच अवेटेड फिल्म कल्कि 2898 AD को लेकर कहा जा रहा है कि कल्कि के पहले पार्ट की कहानी महाभारत काल से स्टार्ट होकर 2898 AD में खत्म होगी, जिसमें हमें प्रभास के एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 से ज्यादा डिफरेंट लुक देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, इस फिल्म की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है और वहीं इसके वीएफएक्स का काम जोरों शोरों से किया जा रहा है, ताकि मेकर्स इस फिल्म को इसकी निर्धारित रिलीज डेट में रिलीज कर पाए। तो डायरेक्टर नागसुन के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म एक साईफाई एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जो हमें 9 मई 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। व्हाट इज प्रोजेक्ट के? सुपरस्टार रजनीकांत की एक नई फिल्म की अनाउंसमेंट की गई है, जिसे बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला के प्रोडक्शन के अंडर बनाया जाएगा। अभी तक इस फिल्म को लेकर ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, पर कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें इस फिल्म से जुड़ी कई बड़ी अपडेट देखने को मिलेंगी। और जैसा कि आपको पता, अभी सुपरस्टार रजनीकांत डायरेक्टर टीजे गनावेल की फिल्म वेटेन की शूटिंग कर रहे हैं, जो कि 2024 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। और इसके बाद रजनीकांत डायरेक्टर लोकेश कनगराज की अनटाइटल फिल्म थलाइवर 171 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि हमें 2025 तक देखने को मिलेगी। और फिर उसके बाद रजनीकांत 2023 में आई अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म जेलर की सीक्वल की शूटिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि हमें 2026 तक देखने को मिलेगी। और फिर कहीं जाकर सुपरस्टार रजनीकांत प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला की इस फिल्म के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। तो रजनीकांत की इस फिल्म के लिए हमें लगभग 3 से 4 साल का इंतजार करना होगा। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 ने अपने रिलीज के चौथे दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 25 लाख रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। और इसी के साथ इस फिल्म ने 3 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 26 करोड़ 25 लाख रुपए का नेट कलेक्शन और 30 करोड़ 60 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। और वहीं इस फिल्म ने 4 दिनों में ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 40 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। और वहीं इस फिल्म ने 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। तो देखना होगा कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। पूरा का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था, है और रहे। और वहीं बात करें विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक की, तो क्रैक ने अपने रिलीज के चौथे दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। और इसी के साथ इस फिल्म ने 4 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ 70 लाख रुपए का नेट कलेक्शन और 11 करोड़ 10 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। और वहीं इस फिल्म ने 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ 10 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। तो देखना होगा कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। अपने यहाँ पे भी सिंगम सिम्बा सूर्यवंशी साथ में ही आते। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिल्मों से जुड़ी छोटी मोटी अपडेट जाननी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।